दोस्तों, जब भी कोई एस्पिरेंट किसी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करता है, चाहे वो 5 ईयर्स LLB प्रोग्राम हो या 3 ईयर्स LLB प्रोग्राम हो, उसको बहुत सारे स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स, इमोशंस से गुजरना पड़ता है। और दोस्तों, उससे मैं बहुत बखूबी रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं इन सभी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपीयर हो चुका हूँ। तो दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऐसे 3 इंपॉर्टेंट लेसन्स की, जो कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ से एसोसिएटेड है, जिनको मैंने अपनी लॉ एंट्रेंस प्रिपरेशन में इस्तेमाल किया और उन्होंने रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए, जिससे कि आपकी जो लॉ एंट्रेंस की जर्नी है वो बेहतर हो पाए। तो दोस्तों, मेरा नाम है दिव्यांशु शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर, जिसका नाम है लीगल पेडागॉजी। तो दोस्तों, बात की जाती है, जब भी किसी आप वीडियो को देखेंगे, बात की जाती है कि आपको नॉलेज कैसे कैसे गेन करनी है अगर आप किसी लॉ एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए, नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर उसके साथ ही साथ इमोशंस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, जिसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। और इमोशंस 2 स्टेजेस पे अप्लाई होते हैं। पहली स्टेज होती है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, और एक स्टेज होती है जब आप एंट्रेंस हॉल के अंदर जाते हैं। दोस्तों, जो भी इंसान अपने इमोशंस पे कंट्रोल रख सकता है, वो एंट्रेंस एग्जाम में बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है, चाहे नॉलेज जो हो उसकी वो किसी दूसरे इंसान से 19-20 रह गई हो, उसके बावजूद भी वो उस एस्पिरेंट से बेहतर परफॉर्म कर सकता है एंट्रेंस एग्जाम में, जिसका अपने इमोशंस पर काबू है। तो सबसे पहले दोस्तों, बात करते हैं प्रिपरेशन के दौरान के इमोशंस की। देखिए, अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपने बहुत बार ये एहसास किया होगा, महसूस किया होगा कि मॉक टेस्ट में जब आपके नंबर नहीं आते हैं तो आप हताश हो जाते हैं, और उस हताशा से होता क्या है कि आपके इमोशन जो है, ये हताशा वाले आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और अपने आप पूरा दिन जो आपके पास होता है आप उसको वेस्ट कर देते हैं, उस पर्टिकुलर दिन को या आने वाले दिनों को भी, ये सोचकर कि जब मैं पढ़ रहा हूँ उससे कोई रिजल्ट ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट के नंबरों को आप ये मानने लगते हैं कि शायद आपके एंट्रेंस में भी नंबर ऐसे ही कुछ रहने वाले हैं, और उसकी वजह से आप अपने काफी सारे दिन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे उनको वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। जी, या फिर आप प्रिपरेशन की जर्नी में हैं और आपकी किसी बहुत ही क्लोज इंसान से लड़ाई हो गई, खासकर इस एज में, और आपकी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है या अपने दोस्तों से लड़ाई हो जाती है, तो अब क्या होता है, उस फ्रस्ट्रेशन में, उस लड़ाई की फ्रस्ट्रेशन में सबसे पहली चीज जो आप छोड़ते हैं वो है आपकी ड्रीम्स, वो है आपकी पढ़ाई। क्योंकि किसी भी बुरी चीज को अडॉप्ट करना बहुत आसान है और किसी भी अच्छी चीज को अडॉप्ट करना बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहले जो आप चीज छोड़ देते हैं उस फ्रस्ट्रेशन में, उस गुस्से में, या जब आपका मूड ऑफ होता है, वो होती है पढ़ाई, और उसकी वजह से आप अपने दिनों को वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे भी एक तरीके से आप अपने इमोशंस को अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी के सामने आने देते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, प्रिपरेशन जर्नी जब खत्म हो जाती है, जब आप एंट्रेंस हॉल में जाते हैं पेपर देने, तो उस दौरान क्या होता है कि मानिए एकदम से एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि 2019 के DLLB के एग्जाम में हुआ, जब फर्स्ट टाइम एनटीए ने वो एग्जाम कंडक्ट कराया, तो पैटर्न काफी ज्यादा बदल गया था, पैटर्न बहुत ही अलग हो गया था। और उस वजह से क्या हुआ, अगर आपके सामने वो पैटर्न एकदम बदला हुआ आएगा तो आप हड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि आपने प्रिपरेशन उस पैटर्न के हिसाब से नहीं की थी। पर आप ये भूल जाते हैं उस समय कि केवल आप नहीं है जो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, आपके साथ साथ और भी बच्चे वहां पे बैठे हैं जिनके लिए भी वो पैटर्न चेंज हुआ है, जिनके लिए भी वो पेपर हार्ड हो गया है। उस समय पर अगर आप इस बात को अपने अंदर ढाल लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप बाकियों से बहुत बेटर परफॉर्म करेंगे, क्योंकि वो एग्जाम खाली आपके लिए चेंज नहीं हुआ है, वो पैटर्न खाली आपके लिए चेंज नहीं हुआ है, वो पेपर खाली आपके लिए टफ नहीं हो, बाकियों के लिए भी टफ है। इस एटीट्यूड को अगर आप अपनाएंगे तो ये पहला लेसन आपके लिए कि आप अपने इमोशंस पर जरूर काबू रखें। अब दोस्तों, दूसरी बात करते हैं कि देखिए, जो एक एंट्रेंस होता है वो एक जंग की तरह होता है। जो सिपाही होता है दोस्तों, वो जब कोई जंग लड़ता है तो उसके नतीजों को सोचते हुए जंग नहीं लड़ता है, वो जंग उस समय वीर गति के लिए लड़ता है, ये अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। और परमवीर चक्र भी जो दिया जाता है दोस्तों, वो उन्हीं सैनिकों को दिया जाता है जो जंग लड़ते हुए शहीद होते हैं, ना कि जो जंग से भाग जाते हैं। तो दोस्तों, वैसे ही जो एंट्रेंस एग्जाम है ये एक जंग की तरह है, जिसको हमें अपने हार्डवर्क से, अपनी डिटर्मिनेशन से, अपने करेज से लड़ना है। हमें रिजल्ट्स के बारे में रोज नहीं सोचना है। और एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ये एक एटीट्यूड अपनी लाइफ में जरूर लाना पड़ेगा। अभी तो हम लॉ एंट्रेंस की बात कर रहे हैं, पर आगे के लिए भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी एंट्रेंस आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है। अपना फ्यूचर आप किसी एक एंट्रेंस को ना बनाएं, आपका फ्यूचर एक एंट्रेंस एग्जाम डिसाइड नहीं करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस एंट्रेंस की तैयारी शिद्दत के साथ ना करें, करेज के साथ ना करें, अपने मनोबल को बना के ना करें, और अपने 100% एफर्ट ना दें। क्योंकि अगर आप अपने 100% एफर्ट उस एग्जाम में नहीं दे रहे हैं दोस्तों, तो बाद में आपको होगा रिग्रेट, और वो रिग्रेट सबसे बुरी चीज होती है। तो हमें इस जंग को
ब्रेवरी के साथ लड़ना है, करेज के साथ लड़ना है और अपने 100% एफर्ट देने हैं, पर इस प्रेशर को भी अपने ऊपर से रिलीज करना है कि भाई ठहर जा, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये तेरी जिंदगी डिसाइड नहीं करेगा, पर ये एक जिंदगी का पड़ाव है जिसमें तेरे को अपने 100% एफर्ट्स देने हैं। आपको इस बात का मतलब ये नहीं निकालना है कि आप प्रिपरेशन आराम से छोड़ दें कि भाई एक लॉ एंट्रेंस ही तो है, नहीं होगा तो कोई नहीं कहीं और से कर लेंगे। ये एटीट्यूड अगर आप ले आए हैं तो जीवन में आपके लिए सफलता पाना कहीं पर भी बहुत मुश्किल हो सकता है। पर अगर आपका एटीट्यूड ये है कि एक एंट्रेंस मेरा भविष्य डिसाइड नहीं कर सकता, पर इस एंट्रेंस में मैं अपना 100% दूंगा, अपना खून पसीना लगा दूंगा, तो ये दूसरा लेसन है जो आपको अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में ध्यान में रखना है। और दोस्तों तीसरा जो लेसन है वो ये है, मेरी तरफ से आपको ये हिदायत रहेगी कि आप मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि फोकस रहने के लिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखने के लिए मेडिटेशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। और आप किसी भी धर्म से हो, आप मंत्रों का भी सहारा ले सकते हैं उसमें, उस जर्नी में, मेडिटेशन की जर्नी में, चाहे आप किसी भी धर्म से आते हो, तो आप मेडिटेशन को भी अपना एक जो डेली रूटीन है उसका हिस्सा बनाएं। मेरा विश्वास है कि जो तीनों चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये अगर आप अप्लाई करेंगे तो आप एंट्रेंस एग्जाम में बहुत आसानी से सफलता पा सकते हैं और बाकी एस्पिरेंट से बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे इस मुहिम को जो मैंने चालू की हुई है इस चैनल पर उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कुछ बड़ा योगदान आपको नहीं देना है, आपको खाली इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है, वीडियो को लाइक करना है अगर आपको इसका कंटेंट पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।